वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 अक्टूबर 2019 और 27 अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आज है दिवाली, तो सबसे पहले विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहां पे एक इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, ये जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है ये हर साल 25 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता है, इसका डेट फिक्स नहीं है, ये हर साल धन्वंतरि की जयंती पर मनाया जाता है, यानी कि जब भी धनतेरस होती है उसी दिन ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। जैसे इस साल 25 अक्टूबर को धनतेरस थी तो 25 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। अगली बार अगर किसी और डे को धनतेरस होगी तो उस दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, लेकिन ये धन्वंतरि की जयंती यानी कि धनतेरस के दिन मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैं आपको एक बार फिर रिवाइज कराता हूं। अक्टूबर में बहुत सारे इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, आप मेरे साथ साथ बोलिए, अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए, और हां खुद को चेक जरूर करना कि कितने दिन आपको याद है, कितने इंपोर्टेंट डे आपको याद है। तो अक्टूबर में पहला इंपोर्टेंट डे कौन सा मनाया गया था? 1 अक्टूबर को, और क्या था? अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस। उसके बाद आया था 4 अक्टूबर, और 4 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? वर्ल्ड एनिमल डे। और उसके बाद क्या आया था? 5 अक्टूबर, और 5 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड टीचर्स डे। उसके बाद आया था 7 अक्टूबर, और 7 अक्टूबर को क्या मनाया गया? वर्ल्ड हैबिटेट डे। उसके बाद आया 8 अक्टूबर, और 8 अक्टूबर को मनाया गया इंडियन एयरफोर्स डे। उसके बाद आया 9 अक्टूबर, और 9 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड पोस्ट डे। उसके बाद आया था 10 अक्टूबर, और 10 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मैंने आपको बताया अक्टूबर में बहुत सारे इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, तो एक बार आप खुद को चेक जरूर करना कि कितने इंपोर्टेंट डे आपको याद हैं। 10 अक्टूबर के बाद क्या आया था? 11 अक्टूबर, और 11 अक्टूबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। उसके बाद आया था 12 अक्टूबर, और 12 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। उसके बाद आया 13 अक्टूबर, और 13 अक्टूबर को क्या मनाया गया था? अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। उसके बाद आया 14 अक्टूबर, और 14 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। उसके बाद क्या आया था? 15 अक्टूबर, और 15 अक्टूबर को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन। उसके बाद आया 16 अक्टूबर, और 16 अक्टूबर को मनाया गया था वर्ल्ड फूड डे। उसके बाद आया 17 अक्टूबर, और 17 अक्टूबर को मनाया गया था अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। उसके बाद आया 20 अक्टूबर, और 20 अक्टूबर को मनाया गया विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। उसके बाद आया 24 अक्टूबर, और 24 अक्टूबर को 3 इंपोर्टेंट डे मनाए गए थे। एक था विश्व विकास सूचना दिवस, दूसरा था यूनाइटेड नेशन डे, और तीसरा मनाया गया था ITBP का 58वां स्थापना दिवस। तो ये 24 अक्टूबर को इस बार 3 इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, और अब ये 25 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। तो इंपोर्टेंट डे आपको इसी सीक्वेंस में और इसी फ्लो के साथ याद होने चाहिए, लेकिन याद तभी होंगे जब कोई भी इंपोर्टेंट डे आए, आप उस मंथ के सारे इंपोर्टेंट डे तुरंत रिवाइज करो। रिवाइज करने में थोड़ा सा इरिटेशन तो हो चुकी है, थोड़ा आलस भी होता है, लेकिन आपको रिवाइज करना है। जब तक आपकी लाइफ में स्टूडेंट शब्द लगा है तब तक आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करने की हैबिट आपको नहीं छोड़नी है। अच्छा, अब आप ईमानदारी से बिल्कुल ऑनेस्टली बताना कि कितने इंपोर्टेंट डे आपको याद थे। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त हो गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है,
मैं डबल मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा हूं, तो स्पेशली आपको याद रखना है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने हैं। अभी तक क्या था, जम्मू कश्मीर एक स्टेट था और अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल हुआ करते हैं, यानी कि एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के पहले एलजी बने हैं, इसलिए और ज्यादा इनका नाम इंपोर्टेंट हो जाता है। तो आप पहले इमेज में देख लीजिए, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और यही अब जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बन गए हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर जब स्टेट था उसके बाद इसको दो यूनियन टेरिटरी में तोड़ा गया, एक तो जम्मू कश्मीर ही रहा था और दूसरा क्या बना था, लद्दाख। तो लद्दाख के भी पहले उपराज्यपाल बनाए गए हैं और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं, आर के माथुर। इनको भी आप इमेज में देखिए, ये है आर के माथुर, इनको लद्दाख का पहला उपराज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा गोवा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं सत्यपाल मलिक, ये हैं सत्यपाल मलिक, ये अभी तक जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे लेकिन अब इनको गोवा का नया गवर्नर बना दिया गया है। और पी एस श्रीधरन पिल्लई को मिजोरम का नया गवर्नर बनाया गया है, ये है पी एस श्रीधरन पिल्लई, इनको मिजोरम का नया गवर्नर बना दिया गया है। तो ये चार नए अपॉइंटमेंट हैं, चारों आपको एक जगह नोट कर लेने हैं और जम्मू कश्मीर वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने मैटी स्टार्टअप समिट 2019 में पुरस्कार जीता है। तो अभी भारत पे ने मैटी स्टार्टअप समिट 2019 में पुरस्कार जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, भारत पे। ये एक पेमेंट गेटवे है और भारत पे ने इसी साल सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। तो भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर का नाम आपको याद रखना है। और अभी मैटी स्टार्टअप समिट में इनोवेशन इन डिजिटल पेमेंट इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नाम का अवार्ड जीता है भारत पे ने। तो ये दो फैक्ट भारत पे से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कब से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने की घोषणा की है। तो अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 28 अक्टूबर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने की घोषणा की, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 28 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण इसको मनाएगा। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के आर वाधवानी का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो के आर वाधवानी ये एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे, यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे के आर वाधवानी। ये इंडियन एक्सप्रेस के एक फेमस संपादक भी थे और ये एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे, इनका अभी निधन हो गया है तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सफेद पानी राफ्टिंग अभियान की शुरुआत कहां की गई है। तो अभी व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान की शुरुआत की गई है जोधपुर में, यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इंडियन आर्मी की एक बटालियन है कालीधर बटालियन, कालीधर बटालियन ने अपने 75वें स्थापना दिवस पर ये व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान की शुरुआत की है जोधपुर सैन्य स्टेशन से, जोधपुर सैन्य स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई है। और उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग से लेकर ऋषिकेश तक 140 किलोमीटर की ये व्हाइट वाटर राफ्टिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों को वीजा में छूट देने की घोषणा की है। तो अभी ब्राजील ने भारतीय पर्यटकों को अल्पकाल के लिए वीजा में छूट देने की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जैसे जो इंडियन टूरिस्ट हैं वो कुछ टाइम के लिए अगर ब्राजील में घूमने जाते हैं तो उनको वीजा में छूट देगा ब्राजील। अब ये घोषणा ब्राजील ने की है, तो मैप में देखिए, ये है ब्राजील, ब्राजील की कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया, ब्राजील की करेंसी क्या है, ब्राजीलियन रियाल, और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, जेयर बोल्सोनारो, कौन है, जेयर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। तो अभी कर्नाटक ने तमिलनाडु को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है, यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, कर्नाटक ने तमिलनाडु को 9 विकेट से हराकर ये विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। अब कर्नाटक ने जीती है तो ये है मैप में कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बैंगलोर, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है, बी एस येदुरप्पा, और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, वजू भाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी बिल गेट्स फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। बिल गेट्स की टोटल संपत्ति है $105.7 बिलियन और जेफ बेजोस की टोटल संपत्ति है $103.9 बिलियन। तो बिल गेट्स अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और जेफ बेजोस दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने प्यूजो मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किया है? तो अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने प्यूजो मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइंड में क्लिक कर गया होगा कि प्यूजो मोटरसाइकिल ये क्या है, तो ये फ्रांस की एक टू व्हीलर कंपनी है प्यूजो मोटरसाइकिल। इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है महिंद्रा टू व्हीलर ने, महिंद्रा टू व्हीलर ने फ्रांस की इस प्यूजो मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 6 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो अभी केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 6 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये 6 नए मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजभाषा पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो अभी प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर ने राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर और इन्होंने ही अभी राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सिंधु दर्शन युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? तो अभी राजस्थान में सिंधु दर्शन युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया, यानी किस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।